परफॉर्मर इज़ माई पैशन, वेदर वो एक्टिंग हो या डांसिंग हो या डीजेइंग हो, ये दिस इज़ वॉट आई नीड टू लिव. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी थैंकफुल कि मुझे उस चीज़ के लिए रिकग्नाइज किया गया और रिफ्ता ने मुझे उस चीज़ के लिए अवार्ड दिया. ये मुझे और इंस्पायर करता है और काम करने के लिए और कुछ अमेजिंग आप सबके सामने लाने के लिए. थैंक यू. थैंक यू. First, I want to thank IFTA for this award, and I really want to thank the composer, Siddharth Kashyap, for allowing me to do this video, and Terence Lewis for being part of it. I think it's one of the best experiences that I ever had. Making a music video. I've done a lot, but this video really is special to me, and I think it's great. And I thank all my friends, my family. Parul Chawla has always been there for me. I thank you and I love you all. Thank you. Thank you. Good. I mean, people are definitely watching your work. There's some sort of appreciation, but there's then that hunger for more. So I would just say that शेर के खून में मुंह लगना जरूरी होता है. Thank you. Thank you. Yeah. I know. It's my first time, so it's like little. I'm into a new industry now. Yeah, just changed. Yeah. I feel really nice. I think feeling like I'm back home. I'm with my family. It's like Bombay is my family, my home. I've just done a film with Afzal Khan. It's called Love Taxi. It's for Netflix. I'm playing a main negative in that, and it's going to release very soon now. And I have many things in pipeline now, so I've, slowly I will resolve that also. Yeah. Thank you, thank you, thank you. साथ में 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 साथ
I don't want to keep the surprise, but मैं बहुत excited हूँ. पहली साल मैं Paris कम करती थी, कभी नहीं सोचता था कि आज मैं एक award मिलेंगे और मैं कि यहाँ पे पहुँचेंगे. एक साल तीन reality किया और आखिरी वाला खतरों के खिलाड़ी है, जो भी बहुत बार reality show इंडिया में, तो मैं बहुत खुशी हूँ और बहुत grateful हूँ कि industry मैंने इतने opportunities दिया. कौन से भाई? करंट बहुत मुश्किल था. जब मैं करंट मिलते ऐसी ज़मीन के ऊपर उड़ते, बहुत ख़तरनाक है. मतलब हाइट चलेगा, जानवर चलेगा, जो भी चलेगा, बट करंट इट्स लाइक अनदर लेवल. सो डिफिकल्ट. झूठ नहीं बोलती हूँ, फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा कुछ वीडियोस आ रहे हैं और मुझे दिखते हैं कि अभिषेक अच्छे खेलते हैं अंदर, तो मैट लाइक मैट द बेस्ट वे. हर सेकंड में मुझे लगता था कि मैंने बिग बॉस किया, खतरों के खिलाड़ी नहीं किया. बट अर्चना के लिए मैं बोलती हूँ कि अर्चना बहुत चालाक और स्मार्ट लड़की है, क्योंकि वो पता है कि इंडियन ऑडियंस उसका पर्सनालिटी और उसका झगड़ा और बात करना की तरीका बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो ऐसे किया शो में और वो लोग एंटरटेन किया. मेरे लिए वो अच्छा एंटरटेनमेंट है और इसलिए जो लोग उसको प्यार करते हैं, जो ये तरीका के एंटरटेन नहीं प्यार करते तो शो मत देखो. चलिए, इससे पहले रश्मि जी आएगी, एक मिनट मेरे को आप लोग के साथ कुछ करने का है, मैं फिर आपको टैग करूंगा. चलो रेडी? थोड़ा अभी आप लोग आवाज करोगे नहीं करोगे? हाँ, एक आपके साथ. चलो, विद द मोस्ट हैपनिंग पीपल ऑफ दिस अवार्ड्स नाइट, लेट्स मीट देम. इतना ज्यादा आवाज किसका नहीं है? अब इनका आधार कार्ड लिंक करें. और गाइस, तो रश्मि जी के लिए वेट करें जल्दी से. हाँ काफी अवार्ड मिले. तो मुझे अवार्ड मिला है वो है मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी, बिकॉज मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ. Also because I'm a Sindhi, I cannot help myself. But thank you very much to the organizers, and I think this one is dedicated to Parul ji, who's always supportive to all the talents around the world. So thank you very much, and big round of applause to all the people watching this, everybody recording this. We are nobody without you media guys, so thank you very much media, and God bless you. Thank you. Good night. Thank you. जाते जाते फिनिश करें. हाँ 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 हाँ, चलो पूछो पूछो पूछो.
Okay, I'm sorry, मुझे हंसी बहुत आती है. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड मुझे ये तंदूर के लिए अवार्ड मिला है जो निवेदिता बासु जी है हु इज़ द हेड एंड क्रिएटिव एंड अतरंगी की करता धरता है. ऑफकोर्स शी इज़ समबडी हु हैज़ रिटन दिस डन द रिसर्च ऑन दिस ट्रू स्टोरी एंड गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ इट. सो द अवार्ड इज़ फॉर तंदूर. मैं अपने आप को ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं कैसे करूँ मैं दूसरी चीज़ें फॉलो, मैं अपने आप में ही बिजी रहती हूँ मेरी जान. थैंक यू. Which is on Amazon Prime. तो अगर आप नहीं देखा है प्लीज अधूरा देख लीजिए, अभी दो ही हफ्ते हुए. एंड या it's a series, 7 episodes, and it's doing very well. We are getting very good reviews, so that's the whole point. People are liking it, so and I'm very happy. मैं उसमें एक एक्टर ही बना हूँ एक्चुअली. मेरा नाम सुयश है एंड इट्स अ हॉरर सीरीज. सो उस हिसाब से आई थिंक इफ यू लाइक हॉरर एज अ जॉनर यू शुड वॉच इट. नो आई डोंट वॉच रियलिटी अनफॉर्चुनेटली. थैंक यू थैंक यू. Thank you. Thank you.
सो मैं यहाँ पे नॉमिनेट हुई हूँ एंटरटेनमेंट क्वीन ऑफ खतरों के खिलाड़ी के लिए. आई एम सो ग्लैड कि मुझे नॉमिनेट किया गया है इफ्टा अवार्ड से. इट्स अ वेरी गुड अवार्ड. आई एम मीटिंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इनसाइड. अर्चना मेरा वेट कर रही है अंदर. एंड इट्स अ प्रेस्टिजियस थिंग टू रिसीव एनी अवार्ड. एंड आप लोग का प्यार मोहब्बत, आई होप आप सब लोग खतरों के खिलाड़ी देख रहे हो, मज़े आ रहे हैं आप लोगों को. मुझे पता नहीं कि मैंने एक्चुअली मैंने एंटर करने की कोशिश तो की नहीं, मैं खुद ही एंटरटेनमेंट बन गई. वहाँ पे मुझे तरह तरह के नाम दिए गए, एक्सप्रेशन क्वीन दिया गया. एक और है मेरा एक नया टर्म है जो आप लोग जैसे जैसे शो देखते जाएंगे आप लोगों को समझ में आएगा. मैं बोल नहीं सकती बट अच्छा बोल देती हूँ, मैं एलिमिनेशन स्पेशलिस्ट हूँ. सो यही चीज़ है एंड बहुत मज़ा आया. Love is a beautiful feeling. It's an amazing state of mind. Love is a state of mind, guys. Everybody should be in love. So yeah, that's the thing. आप लोग देख रहे हो कि नहीं? मैं देख रहा हूँ. How is it? मज़ा आ रहा? मैंने नहीं किया है. मैं follow कर रही हूँ. Get your facts clear, guys. चलो सी यू गाइस. कुछ वेब को लेके ही होगा. मैं तो वेब सीरीज़ और फिल्में भी करता हूँ तो वेब पे आती है, तो उसका ही नॉमिनेशन है वेब में परफॉर्मेंस. आई थिंक बेस्ट परफॉर्मेंस. और अवार्ड्स मिलते हैं तो अच्छा ही लगता है, हमेशा मिलना चाहिए. प्लीज़ प्रे फॉर मी. मैं हाँ काफ़ी अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करता हूँ बट एक शो है जिसके 3 सीजन कर चुका हूँ. And that is, I think, the most popular one, which is called Tripling. और mostly लोग इसी से जानते हैं, mostly लोग awards भी इसी के लिए देते हैं. 3 सीजन में हर सीजन में थोड़ा थोड़ा अवार्ड मिलता है, तो होप कर रहा हूँ कि इस बार भी मिलेगा. अभी तो नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है. कहाँ तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि वही ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो जब लॉक होता है तो वो हमें बताते हैं कि देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया. सो बस फिल्म बन जाएगी, उसके बाद वो कहाँ जाएगी वो हमें नहीं पता, बट जाएगी OTT पे. चलिए मेरा काम हो गया है, मैं तो 3 फिल्में का काम करके ही बैठा हूँ. अब वो फिल्म फिनिश होगी, वो फिल्म कौन से OTT पे आएगी वो अभी पता नहीं.
थैंक यू। मुझको बेस्ट धमाकेदार स्टार का अवार्ड मिला है, रियलिटी स्टार का, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली अवार्ड पे अवार्ड मिल रहे हैं। बट ऐसे ही ऐसे धीरे 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 करके फिल्म फेयर तक पहुंच जाऊं, बस यही उम्मीद कर रही हूं। वो तो आप लोग देख रहे होंगे, एपिसोड देख रहे होंगे कि कितना मज़ा आ रहा है, और जो मेरे से हुआ मैंने किया, मैंने एंटरटेन करने की कोशिश की, और जो कि रिव्यू आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, और सब लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है खतरों के खिलाड़ी देख के। अदरक वाली चाय। कॉन्ट्रोवर्सी पता नहीं, देखो मैं तो नहीं कर रही, जो कंट्रोवर्सी कर रहा है तो उसको देख सकते हैं कि वो क्यों कर रहा है, तो मुझे नहीं पता कंट्रोवर्सी करने का क्या रीज़न है, मुझे तो ज़रूरत नहीं है, तो मैं तो बस यही बोलना चाहती हूँ और कुछ कमेंट नहीं करना चाहती। अच्छा, जो कुछ करते हो आप सिंपल ही करते हो, कोई दिखावा नहीं करते हैं। जी, कितना एक्सपोज़र मिला बिग बॉस का आपको? बिग बॉस का बहुत ज़्यादा, मतलब सच बताऊँ मैंने इतना ज़्यादा फेम लाइफ में नहीं देखा, और बिग बॉस से निकलने के बाद जो फेम मिल रहा है और जो प्यार मिल रहा है औरतों का, बच्चों का जो प्यार मिल रहा है, मतलब अनलिमिटेड, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि यार ऐसा क्या किया मैंने बिग बॉस में जो जनता इतना प्यार करती है मुझे, तो फिर थोड़ा सा खुशी होती है कि चलो मैंने किसी के चेहरे पर स्माइल तो करी। नहीं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, बट थोड़ा थोड़ा मैं इंस्टाग्राम पे क्लिप देखती हूँ। देखो मुझे फुकरा इंसान भी अच्छा लगता है, एल्विश भी अच्छा लगता है, मनीषा भी अच्छी लगती है, और कौन, पूजा भट्टी भी अच्छी लगती है, मतलब जो जो मैं छोटी छोटी क्लिप देखती हूँ, प्रॉपर फॉलो तो नहीं करती हूँ, बट टॉप थ्री मनीषा, एल्विस और फुकरा, ये तीन लोग मुझे लगता है कि होना चाहिए। मतलब सब कुछ आपको बता दूं मैं, फिर आप देखेंगे क्या? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं बता सकती, बट हाँ आपको जल्दी मैं अच्छी जगह दिखूंगी। अच्छा जी, आप बिग बॉस से हैं, एक मिनट। हाँ, पूरे देश में बवाल
धमाल मचा हुआ है सीमा को लेकर, जी आपके क्या व्यक्तिगत राय है आर्टिस्ट से, आपके क्या कहना चाहोगे? देखो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये चीजें गलत है। आज एक लड़की आई है, कल को दूसरी लड़की आएगी किसी बच्चे को पटा के, और तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, क्योंकि जो वो अल्लड़ उम्र का लड़का है यानी छोटा बच्चा है वो, तो और वो बुढ़िया, मतलब एक तरह से बुढ़िया नहीं बोल सकती, मतलब चार बच्चों की माँ है, तो ये एक गलत चीज़ है कि आप किसी बच्चे का सहारा लेके आप इंडिया आ रहे हो और वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हो और ये सारी प्लानिंग कर रहे हो। ये हमारे देश के लिए घातक साबित हो सकता है, और मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश भी हो सकती है, तो इस चीज़ पे गवर्नमेंट को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखो हिस्सा तो मैं हूँ, क्योंकि देखो जो इंडिया और मोदी जी का जो इलेक्शन लड़ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आज इस टाइम जनता को इंडिया का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया, आप लोगों ने भी देखा है कितनी महंगाई जा रही है और सारा चीज़ें जा रही है, तो एक बार तो मौका मिलना चाहिए अपोजिशन पार्टी को यानी कांग्रेस पार्टी को, जिससे कि आप कुछ नया चीज़ देखो देश में। एक बार मौका तो दो राहुल गांधी जी को एक बार मौका तो दो। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी को एक बार मौका मिलना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए जनता को कि वो क्या कर सकते हैं। तो आपको भी मौका मिलना चाहिए, आपसे भी तमन्ना है। मैं देखती हूँ, मैं जब आऊंगी तब आऊंगी, अभी तो फिलहाल मैंने थोड़ा सा रेस्ट करके रखा हुआ है पॉलिटिक्स से, बट हाँ नहीं अभी मैंने सोचा नहीं है, कुछ बोल नहीं सकती इस बारे में, क्योंकि अभी मेरा यहाँ इंडस्ट्री में ज़्यादा अच्छा चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे अभी फोकस हूँ। नहीं कभी नहीं, राजनीति मेरे अंदर से कभी नहीं निकल सकती, और उसी के लिए मुझे ऐसा लगा है मैंने जन्म लिया है। बट मुद्दा ये है कि थोड़ा अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा समझदारी की भी ज़रूरत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वक्त आएगा तब मैं चली जाऊँगी, या जब वक्त आएगा तब मैं एक्शन ले लूँगी या तब मैं कर लूँगी। थैंक यू सो मच। अच्छा पवन।